है तमन्ना मेरी तेरे दिल में उतारेंगे। मैथमेटिक्स को ओ स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस जादुई नगरी में, मैथमेटिक्स के जादुई नगरी में। इस बार मैथमेटिक्स आपके दिल में उतार देंगे और इस बार आपको बिहार टॉपर बना देंगे। बिहार टॉपर बनना है ना तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। कैसे टॉपर सोचता है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसे उसके माइंड में सेट हो जाता है। वो माइंड में सेट नहीं, यहाँ उतारता है, क्योंकि जो यहाँ लगता है ना बड़ी तकलीफ होता है, समझ रहे हैं ना। तो यही बात है। देखिए इसको आपको, देखिए बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, आपसे पूछ देता है साइन 60 का मान कितना होगा। लो भाई अब रटना पड़ेगा, साइन 60 का मान कितना होगा। पूछ देगा साइन 45 का मान कितना होगा। अब रटो कि साइन 45 1/√2 होता है कि 2/√3, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेक्ट इन आवर हेड, मतलब घूमते रहता है। लेकिन ये सब जितने भी चीज़ें होती है 10 30 10 60 10 90, ये सब का सोल्यूशन, ये पूरा का पूरा डेटा आप तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट में आप पूरा का पूरा डेटा तैयार कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में और दिल में तो उतार ही देना है। यानी कि मेरी तमन्ना यही है कि आपके दिल और मतलब सॉरी दिल और दिमाग में क्या चला जाए, मैथमेटिक्स पूर्णतः बैठ जाए और मैथमेटिक यानी किंग ऑफ मैथ आप बन जाए। समझिएगा यहां ध्यान से, कैसे। साइन 0 का मान कितना होता है भूल जाएंगे आप। साइन 30 डिग्री, देखिए साइन 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री यहां लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान, ये सब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आएगा। लेकिन देखिए कैसे सोल्यूशन है, आपको 1 2 तो याद होगा ना, 1 2 3 4 5, लेकिन 1 2 3 4 5 के पहले 0 भी होता है। 0 से आप टेबल आपको कुछ हद तक याद होना चाहिए। बस 2 मिनट में यूं कहानी खत्म। देखिए यहां पे, यहां लिखिएगा 0, क्या लिखिएगा 0, उसके बाद से 1 2 3 4। लो भाई अब उसके आगे कुछ है ही नहीं कि 5 लिखे, तो 4 तक छोड़ देते हैं। अब 4 लिखे हैं तो 4 ही नीचे लिख दें, 4 सब 4 से भाग कर दे, जो लास्ट में रहता है उसी से भाग कर दीजिए, 4 4 4, इतना कर सकते हैं। 0 1 2 3 4, कुछ था ही नहीं, फिर 4 4 सबके नीचे भाग कर दिए। उसके बाद से हम लगा दिए रूट, क्या लगा दिए हम रूट लगा दिए। अब वैल्यू बन के निकल चुका है, 0 में 4 से भाग कीजिए, भाग कीजिएगा तो 0 होगा, और 0 का रूट तो 0 ही होता है, ठीक है। 1 का रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ देखिए अगर इसको निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, यहाँ आप कैसे दिमाग लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि कितना बचा, रूट अंडर 1/2 बचा, 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो लिख दीजिए यहाँ देखिए, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ देखिए 4 और 4 से कट गया 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है ना। तो निकल गया कि नहीं, क्या किए हम, 0 1 2 3 4, और फिर 4 से सब में भाग कर दिए, और उसके बाद से रूट लगा दिए, और रूट से बाहर निकाले तो साइन का, आपसे पूछेगा साइन 30, पूरा डेटा बना लीजिएगा। एग्जाम में अगर सब कुछ भूल जा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक पीछे डेटा बना लीजिएगा। और हाँ एक और चीज बता दें, अगर ये भी नहीं याद हुआ तो एक और ट्रिक आपके लिए रखे हैं, बोले ना कि दिल में उतार देंगे मैथमेटिक्स। यहां देखिए, यहां पे ये इस तरह से बना था, साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 के नीचे क्या आया, √3/2 आया। अब इसी को जो पहला वाला, इसी को उल्टा लिख दीजिए, ये वाला पहले लिखिए, फिर ये वाला यहां लिखिए √3/2, फिर ये वाला लिखिए 1/2, फिर ये लिखिए 1/2, और ये क्या लिख दीजिए, ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये लिख दीजिए आप 0। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, इतना आप जरूर कर सकते हैं। एक होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है बाबू, टेन थीटा, ये याद रखिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो अब टेन का मान निकालना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा को खाली बटा, और वैसे भी एक बात आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि ऊपर वाला ये वैल्यू है और नीचे वाला, और देखिए तो बीच में बहुत बड़ा बट्टा है, तो बट्टा है तो यह देखिए 1/0/1 क्या होता है, 0 होता है। इस 4 को बटा मिटेगा तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाता है 1/√3 बचेगा, क्लियर। उसके बाद से यहाँ देखिए √2 से √2 यहाँ खत्म हो जाएगा, बचेगा का 1, बट्टा में है तो कटेगा ना जी। यहाँ देखिए तो यहाँ देखिएगा तो ऊपर नीचे ऊपर, यानी कि ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा √3, और ये 1/0। अब समझिएगा ध्यान से, जब 0/1 हो तो इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन वही अगर ऊपर 1 और नीचे 0 हो तो ये हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है, क्योंकि 0 का तो 1 का पहाड़ा होता है ना, तो 1 का पहाड़ा 0 से दिए तो 0 खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 0 का टेबल नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/0,
अपरिभाषित, अपरिभाषित, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। जब इतना कर लिए तो ये तो इजी हो गया ना। साइन का उल्टा होता है क्या? कॉसेक। आपको तो बताया है, ट्रिक तो याद है, एक त्रिकोणमिति एक प्रेम कहानी, तो आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, साइन का उल्टा होता है सेक, तो साइन जीरो है। साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है। तो कॉसेक जीरो क्या होगा? तो जीरो का उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा अपरिभाषित। जिसमें जिसमें देखिए, जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है, रट लीजिए। जीरो का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। ठीक, इसका उल्टा दो ऊपर चला जाएगा, नीचे एक, तो नीचे एक हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि नीचे तो सबके नीचे एक छिपा है ना। इसका उल्टा हो जाएगा रूट टू, नीचे एक नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, ये हो जाएगा एक। फिर ये कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एक का उल्टा एक, ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा टू, और फिर जहाँ जीरो है तो उसका उल्टा होता है अपरिभाषित। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कॉट का देखिए, कॉट टेन का उल्टा होता है, फिर जीरो है तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? रूट थ्री। उसके पास एक का उल्टा एक, रूट थ्री का होता है वन बाई रूट थ्री उल्टा, और अपरिभाषित का उल्टा जीरो। जब जीरो को उल्टा किए तो अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? जीरो। अब कहिएगा सर हमको ये अपरिभाषित समझ में नहीं है, तो समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जीरो बट्टा एक, तो एक का पहाड़ा यानी टेबल होता है, तो एक का टेबल होता है लेकिन ऊपर बड़ी दुख की बात है कि जीरो है, तो ये हो जाता है जीरो। किसी भी संख्या में अगर ऊपर जीरो और नीचे से भाग करें, यहाँ हो जाए जीरो बट्टा पचास, तो क्या हो जाए? आंसर जीरो आएगा। लेकिन जब भी आप नीचे, नीचे तो कभी जीरो होता ही नहीं है, अगर दो बट्टा जीरो हो तो समझिएगा ये गलत लिखा गया है, ये नीचे जीरो हो ही नहीं सकता है, जीरो का पहाड़ा होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं हो सकता है तो जब भी आपको नीचे जीरो दिखे वो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपर। कोई पूछे कि अपरिभाषित कैसे लिख सकते, तो बोलिए कि ये अपरिभाषित लिखा है। ठीक है, ये अपरिभाषित लिखा है। अब बोलेगा तो अपरिभाषित को पलट के दिखाओ, तो ये ऊपर चला जाएगा जीरो और नीचे आ जाएगा दो, इसका आंसर आ जाता है जीरो। जब नीचे नंबर हो तो जीरो आंसर होता है, लेकिन नीचे जीरो हो तो अपरिभाषित आंसर होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा डेटा समझ में आया होगा। एक और ट्रिक आपके लिए रखे हैं बहुत शानदार, लेकिन उसके लिए त्रिकोणमिति की एक प्रेम कहानी आपको समझनी पड़ेगी, जो हम प्लेलिस्ट में यहां देख लीजिए। बहुत शानदार तरीका से यहां उतारने का व्यवस्था आपका कर लिए हैं। ठीक है, अब यहां आपको चोट देना है ताकि तकलीफ होगी और जिंदगी भर याद रहेगा। तो बिना देर किए दूसरा ट्रिक देखते हैं। चलो मान लो कि वो फार्मूला, वो तरीका आप भूल गए, समझिएगा ध्यान से, अगर उस फार्मूला को बोलते, ये तरीका आपको काम आएगा, बहुत अच्छा तरीके से काम आएगा। ये इसमें जो है, इस वाले त्रिभुज से 30 और 60 का पूरा वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि साइन 30, कॉस 30, कॉसेक 30, जितना भी है 60 दोनों निकल जाएगा। इससे 45 वाला निकल जाएगा और इससे 0 और 90 वाला निकल जाएगा। ये इजी वे में निकल सकता है, लेकिन आप सिर्फ इसको याद रखें ना, सबसे ज्यादा 30 और 60 ही तो पूछता है ना, तो इसको आप याद रखें दिमाग में, ये भी याद हो जाएगा। एक त्रिभुज बनाना है, एक जगह 30 एक जगह 60 लिख देना है, क्लियर हो गया। एक ये त्रिभुज बनाना है, एक दोनों जगह 45 डालें, क्योंकि ये सिर्फ एक 45 से निकलता है। इस त्रिभुज में थोड़ा डाउट है तो हम आपको बताएंगे, ये ट्रिक ही कुछ अलग तरीका से है। ठीक है, पहले यहां समझ लीजिए, यहां एक डालिए, यहां भी एक डालिए, यहां भी एक तो खैर है ही। ठीक है, एक, उसके बाद से यहां दो और यहां रूट तीन, कैसे? एक दो तीन नहीं, रूट तीन डालिएगा। क्या डालिएगा? रूट तीन। हो गया, वैल्यू निकालिए। अब साइन 30, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब ये आपको ट्रिक से, त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला से याद कर लेना पड़ेगा, जो हम बता चुके हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, मोहब्बत हो जाएगी। यहां देखिए, लंब बटा कर्ण, 30 के लिए लंब कौन होता है? एक, और कर्ण तो कभी चीज एक बटा दो, हो गया कि नहीं? चलिए एक बार इसका निकालते हैं, कॉस 60, कॉस 60 होता है आधार बटा कर्ण, 60 के लिए पास वाला आधार हो जाएगा आधार, कर्ण कौन हो जाएगा? दो। टेन 30 निकालते हैं, टेन 30 होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, 30 के लिए सामने वाला लंब क्या हो जाएगा? लंब, और आधार कौन हो जाएगा? रूट तीन। ये कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी जिंदगी में नहीं बदलता है, यही बदल सकता है। तो ये हो गया कि नहीं? इस तरीके से आप सब वैल्यू जो जो हम छोड़े हैं उसको कमेंट में बताइए कि कितना वैल्यू आपसे ये बन रहा है कि नहीं। 45 की बात करें तो यहाँ एक हो गया, यहाँ हो जाएगा दो, लेकिन ये वाला रूट में, और यहाँ एक। अब कहिएगा सर आप दो जगह एक क्यों दिए? बता रहे हैं बाबू, जब दो कोण बराबर होता है तो दो लाइन भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला याद रखिएगा 45 के लिए। चलिए, साइन 45 लंब बटा कर्ण, एक बटा रूट टू, कॉस 45 आधार बटा कर्ण, तो एक बटा रूट टू,
टेन पैंतालीस क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो एक बट्टा एक एक ही ना होता है, ठीक है। और अब कह रहे हैं कि ये तीन को क्यों नहीं लिखे हैं, तो सुनिए ध्यान से, साइन का उल्टा कर लीजिएगा तो हो जाएगा कोसेक, कोसेक पैंतालीस निकाल सकते हैं, कोस का उल्टा होता है सेक पैंतालीस, टेन का उल्टा होता है टेन कोट पैंतालीस, तो ये आप आराम से इसको पलट के निकाल सकते हैं। रही बात, इस समझ में आपको आया, अगर ये समझ में आया तो मेरे को कोसेक सी ओ ए सी कोसेक तीस का मान क्या होगा, आप बताइए कमेंट में कि कोसेक तीस, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बनता है और दिमाग पर आ जाता है, कोसेक तीस किसका उल्टा होगा, साइन तीस का होगा कि साइन साठ का उल्टा होगा, और इसी का उल्टा वाला वैल्यू यहाँ पे भर देना, ये कमेंट में बताना, ये आपको समझ में आया होगा, ये याद कर लीजिए, एक दो रूट तीन, एक एक रूट टू और एक एक जीरो, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तीन त्रिभुज। ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है लेकिन जानते हो, अब मान लो कि आपसे कोई साइन साठ पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, पूरा डेटा बनाने जाइएगा, वो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, साइन साठ के लिए साठ वाला फिगर बनाइएगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो साठ के लिए लंब हो जाएगा रूट तीन और कर्ण हो जाएगा दो, रूट तीन, एक आगे कोई पूछ दे साइन साठ, सॉरी टेन साठ कितना होता है, टेन साठ, तो एक फिगर बनाइएगा, एक दो यहाँ नीचे से एक शुरू कीजिएगा, एक दो रूट तीन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, साठ है थीटा तो लंब इसके लिए हो जाएगा रूट तीन, आधार हो जाएगा एक, नीचे एक नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ये टेन साठ का मान रूट तीन हो गया। अच्छा नीचे एक काहे लिए लिखेंगे, नीचे एक का मतलब होता है कि रूट तीन कितना बार है, एक बार, अगर रूट थ्री बाई टू लिख दे तो इसका मतलब हुआ रूट तीन को दो बार तोड़िए, तो यहाँ का जरूरी है एक लिखना, ये तो खुद ही दिख रहा है कि एक बार है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दे कॉट तीस, तो कॉट तीस मतलब कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो तीस के लिए आधार कौन हो जाएगा, रूट तीन हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा, तो तीस के लिए सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा रूट तीन, इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें थोड़ा सा हमको टेन पैंतालीस निकाल के दिखा दो ना कैसे निकाल रहे हो, तो क्या करोगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, पैंतालीस के लिए लंब बटा आधार एक बटा एक, ये तो एक ही ना होगा, टेन पैंतालीस का मान एक होता है, सिंपल है, ये आप कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। रही बात इसकी, इनकी, ये बाबू साहब की बात रही तो ये बहुत ही शानदार है, ठीक है, ये थोड़ा सा अपने आप में बड़ी घमंड रखते हैं, घमंड क्या रखते हैं समझिएगा। अब ये वाला देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो और नब्बे, जीरो और नब्बे, ये बड़ी चलाक है, ये अपने आप को कहते हैं कि मेरा वैल्यू निकाल करके दिखाओ, ये वाला त्रिभुज को ऐसे बनाइए ये वाला, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ डाउट रहेगा, इसको हम भरेंगे 90 डिग्री और इसको भरेंगे हम 0 डिग्री, समझिएगा ध्यान से, यहाँ है 1 1 और 0। अब कहिएगा सर ये 0 डिग्री का मतलब होता है कि एक लाइन है, और लाइन पर से दूसरा लाइन ऐसे उठाते जाएंगे तो बीच वाला एंगल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो 0 डिग्री में तो लाइन ऐसे उठा ही नहीं है, यहीं पे है तभी तो 0 है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बाद में ऐसे 90 डिग्री हो जाता है, तब ऐसे सीधा आप 90 डिग्री खींचते हैं, तो 0 डिग्री। लेकिन बताइए, हम आपको त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, तो इसको मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक, और इसके बाद से एक एक और यहाँ जीरो है, अगर ये आपके दिमाग में है तो साइन जीरो कॉस जीरो, साइन नब्बे कॉस नब्बे निकल जाएगा, जैसे साइन जीरो निकाल रहे हैं, कॉस जीरो भी निकाल ले रहे हैं, साइन नब्बे, ये बस प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिए कॉस नब्बे, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, जीरो के लिए लंब हो जाएगा सामने वाला, कर्ण हो जाएगा एक, एक बट्टा जीरो जीरो ही होता है, साइन जीरो क्या हुआ, जीरो हुआ। साइन नब्बे, साइन नब्बे का मतलब होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो नब्बे के लिए सामने वाला हो जाएगा लंब, और कर्ण हो जाएगा वन बट्टा वन, यानी कि साइन नब्बे वन होता है, आपको समझ में आया। वैसे ही कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हो जाएगा एक बट्टा एक, क्या हो जाएगा एक, कॉस जीरो का मान वन होता है। वैसे ही कॉस नब्बे का मान अगर आपको निकालना हो तो आधार बट्टा लंब होता है, लेकिन नब्बे के लिए आधार हो जाएगा जीरो, सॉरी आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा वन, तो ये मिला जुला के क्या आया, जीरो। तो ये आपको समझ में आ रहा, अगर यही पूछ दे बाबू आप टेन जीरो बताइए, तो टेन जीरो का मतलब टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, यानी कि पी बाई बी होता है, तो जीरो के लिए लंब हो जाएगा जीरो और आधार हो जाएगा ये वाला कितना एक, तो ये हो जाएगा जीरो। इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आपको दोनों ट्रिक उम्मीद करते हैं कि शानदार लगा हो, तो शानदार लगा हो तो प्यारा बटन एक ऊंटा कैसे दिखा रहा है ना वो दबा दीजिएगा, और फिर हम लोग ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें संपूर्ण त्रिकोणमिति यानी कि पूरे के पूरे त्रिकोणमिति के महानगरी में हम लोग घुस करके और वहां जादुई ट्रिक से एक एक फॉर्मूला को समझ लेंगे, उसके बाद से कोई डाउट नहीं रहेगा, त्रिकोणमिति डायरेक्ट यहां उतर जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।